कौन सी आठ बार वोट पाने वाला लड़का हर बार भाजपा नु पाई सी वोट। ये है नंबर दूसरा। वोट पाउंदिया बनाई सी वीडियो। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ वोट, देख लो। तीसरा नंबर है। सोशल मीडिया ते एक वीडियो तेजी नाल वायरल हो रही है, जिस दे विच इको लड़का अठ बार वोट पाउंदा है ते अठ बार ही भाजपा नु वोट पाई, नाल ही हर बार वोट पाउंदियां दी वीडियो भी बनाई ते सोशल मीडिया ते अपलोड भी कीती। हुणे सामने आ रहा है कि इस लड़के नु गिरफ्तार कर लिया गया है ते लड़के दी पहचान राजन सिंह ठाकुर दे वजो हुई है, जो के जिला प्रधान दा बेटा है। वीडियो यूपी दे एटा दी दसी जा रही है, जिथे 13 मई नु चौथे पड़ा दी वोटिंग दौरान फरुखाबाद लोकसभा दे भाजपा उम्मीदवार नु वोट पाई गई। इत्थे इक्को ही लड़के ने इस उम्मीदवार नु 8 बार नाम बदल के ते आधार कार्ड बदल के वोट पाई, जिस दी वीडियो वायरल हुई ता एटा दे विच हड़का मच गया, प्रशासन पब्बा भार हो गया। 8 बार फर्जी वोट पाउन वाले राजन ने बूथ दे अंदर हर बार भाजपा नु वोट पाउन दी कमल दे निशान वाला बटन दबण दी वीडियो बनाई सी ते अपने ही सोशल अकाउंट ते शेयर भी कीती सी। समाजवादी पार्टी दे वल्लों मुद्दा चुकी जान तो बाद इस लड़के दे खिलाफ अलीगंज दे एसडीएम वल्लों एफआईआर दर्ज कीती गई है अते नाल ही पोलिंग बूथ दे स्टाफ नु सस्पेंड कर दिता गया है। वोटिंग दोबारा करवाउन दी मांग भी कीती जा रही है। सर, फरुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के एटा जनपद की अलीगंज विधानसभा में जो मतदान हुआ था 13 मई को, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का 8-8 वोट डालने का वीडियो बना रहा है। क्या है मामला, क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? नहीं, एक वीडियो संज्ञान में आया है, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ है और काफ़ी राजनीतिक दलों द्वारा भी उसका संज्ञान लिया गया है। फरुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एटा में अलीगंज विधानसभा थी, जिसमें 13 मई को मतदान संपन्न हुआ था। कथित जो वीडियो है उसमें एक व्यक्ति है, लड़का है, जो कि वोट डालते समय अपना वीडियो बनाया है और एक से ज़्यादा बार वोट डालते समय अपना वीडियो बनाया है और उसका मीडिया पर वायरल होने के उपरांत अलीगंज एसडीएम एआरओ द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और उस पर उनके द्वारा स्वयं प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन और जो भी जांच प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और प्रभावी कार्रवाई, जो भी कठोरतम प्रभावी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कृत कार्रवाई से आरओ जनपद फरुखाबाद को भी अवगत करा दिया गया है और जैसी भी आगे जो भी प्रगति होगी उससे हम अवगत कराते रहेंगे। सर, जो फरुखाबाद लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर शाह के, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करके इस पर पुनर्मतदान की भी मांग की है, तो क्या संभावना है पुनर्मतदान की? नहीं, ये आयोग का विषय है, ये आगे के विषय हैं, इस पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जो भी मीडिया में वायरल होने के उपरांत जो भी हम कार्रवाई हमने की है उसको तत्काल हमने उसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और आगे जैसे भी जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाइयाँ की जाएंगी।